यातायात पुलिस अमले ने यातायात सप्ताह के तहत बस स्टैंड परिसर में जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत बस चालक परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की। एएसआई राजकुमार चौधरी और एएसआई विजय तिवारी ने निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों को ओवरलोड न चलाएं, जितनी सवारियों की क्षमता है उतनी ही सवारी बैठाएं। कोई भी बस चालक शराब पीकर अपने वाहन को ना चलाए, क्योंकि आपके भरोसे पर कई जिंदगियां सफर करती हैं। बस में अनिवार्य रूप से महिला सीट फर्स्ट एंड बॉक्स इमरजेंसी द्वार जरूरी है। यातायात थाना प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार ने बताया, 28 अगस्त को बस चालक परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चे 30 आदमी की जान को लेकर चलते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यातायात सप्ताह चल रहा है, विशेष तौर पे साल भर अपन को हर साल ये करना है, ये 7 दिन करना है, या हमेशा 12 महीने अपन को रूटीन में लाना है। गाड़ी के अंदर अग्नि यंत्र लगेंगे आप, दूसरा महिला सीट जो अलग रहेगी, महिला सीट पे आप लिखो लाल साई की ये महिला सीट है, उस पर लिखना चालू करो। जिन भी गाड़ी पे महिला सीट का नहीं हो उसको आप लिखिए, महिला सीट को आप खाली रखिए, जो महिला है उस पर बिठाइए, फिर दूसरी महिला जो आए उनको बाद में बिठाइए। महिला सीट की 3 सीट को आरक्षित करिए, 6 सीट जो अकेली जाती है। संबंध में ड्राइवरों को और कंडक्टर को बताया कि वर्दी पहन के गाड़ी चलाएंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, और अपने अपने बच्चों को समझाएंगे कि 2-व्हीलर को बिना हेलमेट के नहीं चलाएंगे, बच्चों को हेलमेट बिना हेलमेट के और गाड़ी नहीं देंगे, बच्चों को गाड़ी नहीं देंगे, नाबालिग बच्चों को, उसमें उतना ही दोष उसका बच्चा है, उतना ही दोष उसका बाप भी है, उसके पिताजी वगैरह भी रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो और यही समझाया गया, यातायात सड़क सुरक्षा के यातायात के नियमों का पालन करें। क्या नाम लिख क्या? मैं ट्रैफिक से हूँ, एसआई चौधरी, राजकुमार चौधरी, थाना यातायात खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।